जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट सेफ का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आप भी अपने न्यू फोन पे कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे वही तरीका बताऊंगा। अगर आप भी जो ये डिवाइस यूज कर रहे हैं, सो इस डिवाइस से रिलेटेड काफी सारे वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जरूर विजिट होना, काफी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। ओके सो यहाँ पे हम यही सीखेंगे प्राइवेट ऑप्शन को, हमें प्राइवेट सेफ वाला जो मोड है इसे हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं न्यू फोन पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट सेफ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा सो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरह से आपको भी बताऊंगा कि इसका भी शॉर्टकट आप कैसे यूज कर सकते हैं एंड जो सही प्रोसेस रहता है क्या रहता है न्यू फोन पे यूज करने का। सो इसे यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इस जो है फीचर्स को जो यहाँ पे लाया हूँ इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके इस तरह से आप भी रिमूव कर सकते हैं। सो आप जो है सेटिंग से भी इसे निकाल सकते हैं एंड माई फाइल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से भी ये निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेटिंग से आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा। तो फोन का जो सेटिंग है इस पे आना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है प्राइवेट, प्राइवेट सेव करके आप जो है यहाँ पे सर्च करोगे इस तरह करके, सो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसी पे आना है, क्लिक करना है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा आपके फोन पे, इस तरह से रहेगा। प्राइवेसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिला प्राइवेट सेव का ऑप्शन, इस पे आना है, इस पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं वही मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हो गया लॉन्ग प्रोसेस, तो शॉर्ट जो प्रोसेस क्या है, शॉर्ट प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, माई फाइल पे आना है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वो चीज आपको यहाँ पे शो ऑफ नहीं हो रहा है। सो ऐसे आपको सेटिंग बताना होगा, यहाँ पे आप ला सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा ऊपर की ओर आपको देखने को मिल जाएगा थ्री डॉट बेस, इस पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल, देख सकते हैं शो शॉर्टकट टू प्राइवेट सेव, बस इस पे आना है, इसे आपको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसे इनेबल कर देते हैं इस तरह से आओगे, बैक आओगे यहाँ पे, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्राइवेट सेफ का ऑप्शन। बस आपको गाइस क्या करना है, बस फर्स्ट टाइम अगर आप यूज करना चाहते हैं बस इसी पे आना है, क्लिक कर लेना है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड आपको दे देना है, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं रीटाइप एक बार देना है, यानी दोबारा फिर से आपको रीटाइप करना है, इससे कन्फर्म हो जाएगा। पासवर्ड दे दोगे, ओपन करोगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा पासवर्ड देने के बाद। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइवेट सेफ में क्या क्या आप रख सकते हैं, फर्स्ट में आपको देखने को मिला है इमेज एंड वीडियोज, इमेज एंड वीडियो वो भी रख सकते हैं, ऑडियो रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, अदर फाइल भी रख सकते हैं, यानी काफी कुछ जो भी चीजें आप प्राइवेट सेफ में रखना चाहते हैं यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। आपके अलावा कोई भी इसे छेड़खानी नहीं कर सकता है, ना ही कोई देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड सेट करने का रहा और जो पासवर्ड आप लगाओगे वो सिर्फ आप ही को मालूम होगा। सो इस तरह से आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं इमेज एंड वीडियो का ऑप्शन आपको देखने को मिला वीडियोस, बस इस पर क्लिक करोगे इस तरह से आ जाएगा। जैसे कि अगर पहले से आप कोई भी चीज यहाँ पे यूज की है सो इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा, अगर आप पहले यहाँ पे लाए हैं तो। अगर बिल्कुल आप न्यू आए हैं, इस पे नहीं लाए हैं, सो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्लस वाला आइकन, इस पे क्लिक करना है, गैलरी ओपन हो जाएगा। अब जो भी फोटो फाइल वीडियो जो भी आप रखना चाहते हैं आपको क्या करना है, बस इस तरह से आपको बस इस पे टिक कर देना है, इस तरह टिक कर दोगे, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा नीचे की ओर सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। ओके गाइज, सो यहाँ से आ सकते हैं, इसे देख भी सकते हैं और अगर आप यहाँ से सेट एज प्राइवेट पब्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करने से फिर से वो गैलरी पे चला जाएगा जिस तरह से था। अगर आप डायरेक्ट जो है यहीं से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाला बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ जो है डिलीट हो जाएगा यहाँ से भी वहाँ से भी ये चीज़, क्योंकि वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ पे लाते हैं तो। अगर आप यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो जिस तरह से था नॉर्मल वहीं पर चला जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह से आ गया। अगर फिर से अगर कोई भी और भी चीज़ यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करके वो चीज़ आप ला सकते हैं। इसी तरह से आपको ऑडियो अगर रखना है, ऑडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑडियो आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस वाला आइकन देखने को मिल जाएगा, जो भी ऑडियो है आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा, बस इस पर क्लिक करना है इस तरह से और यहाँ पे सेट एज प्राइवेट पे क्लिक करना है, इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा, देख सकते हैं। सो इस तरह से आप जो है जो भी फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट जो भी ला सकते हैं, लाना चाहते हैं, बस इस पर आना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लेके आ जाना है। सो यहाँ पे जो सीख लिए कि यहाँ पे ये चीज लाने का, अब इसी फाइल में ऊपर की ओर आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं थ्री डॉट का ऑप्शन, बस आपको क्या करना है, इसी थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे हेल्प के नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिला है, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट में आपको देखने को मिला है प्राइवेसी पासवर्ड, इस पर आना है, क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करें इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे आप पासवर्ड टाइप करते हैं इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे है टर्न ऑफ, जैसे मैं टर्न ऑफ करके रखा हूँ, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको आना है, इसे ऑन कर देना है। सो अगर आप यहाँ जो है पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल यहीं पे आना है, देखने को मिल जाएगा चेंज पासवर्ड, इस पे आना है, क्लिक कर लेना है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा इंटर
ओल्ड पासवर्ड, जो आप पासवर्ड अभी यूज कर रहे हैं वही पासवर्ड आपको टाइप कर देना है। इस तरह से टाइप कर दोगे, इस तरह उसके बाद इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखने में इंटर न्यू पासवर्ड इंटर 6 डिजिट यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप, इस पर क्लिक करोगे सो यहाँ पे देख सकते हैं 4 डिजिट का या फिर 4 से 16 डिजिट का पैटर्न का या फिर अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ से जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं पैटर्न उटर्न वो भी आप गाइज यहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बस अब आपको यहाँ पे जो भी यूज़ करना है उस पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड आप दे सकते हैं, जो भी आप न्यू पासवर्ड देना चाहते हैं एक बार देना है, फिर से आपको रिटाइप कर देना है कन्फर्म करने के लिए। एंड उसके बाद आपको देखने को मिला नीचे की ओर क्वेश्चन का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है, इस पर आना है। अब जो पासवर्ड रखे थे वो आपको टाइप कर देना है। पहले टाइप करने के बाद इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है देख सकते हैं फॉर्मर टीचर्स नेम, फॉर्मर टीचर्स नेम, इस पर क्लिक करके यहाँ पे कोई सा भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है देख सकते हैं एक पासवर्ड का, यानी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं आपको याद नहीं है सो ये ऑप्शन देके आप जो है उससे आप जो है लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी नाम आप जो है देना चाहते हैं बस आपको क्या करना है वो नाम दे देना है, ऊपर वाला बटन पे आपको सेव पे क्लिक करना है। इससे आपको गाइज हमेशा याद रखना है या फिर आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा अगर आप जो है प्राइवेट में फोटो वीडियो ला के पासवर्ड को भूल गए हैं सो नेक्स्ट ऑप्शन आप जो है ये देखिए आपको वहां पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये देखिए उसे आप लॉग इन कर सकते हैं। सो इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रिकवरी ईमेल, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपको टाइप कर देना है। पासवर्ड देने का जिस तरह से आएगा सेट रिकवरी ईमेल, अगर आप जो है यहाँ पे रिकवरी ईमेल करेंगे यहाँ पे कोई भी पासवर्ड भूल जाते हैं यहाँ पे जो दिए हैं और कोई भी फोटो वीडियो अगर आप रिकवर करना चाहते हैं सो ईमेल आईडी जो दोगे उस पर पासवर्ड भेज देगा न्यू पासवर्ड, वहाँ से जो है ईमेल आईडी की मदद से आप जो है इस पासवर्ड को हटा सकते हैं रिकवर कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो भी देना चाहते हैं ईमेल आईडी आपको दे देना है। ओके अच्छे से दे देने के बाद आपको क्या करना है कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। सो वैसे अगर आप इस फाइल को आप यूज़ करना चाहते हैं सो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया रिकवरी होगा ये दोनों ऑप्शन को आपको जरूर यूज़ करना है। इससे ये होगा कि पासवर्ड अगर भूल जाते हैं इन फ्यूचर में सो इन दोनों की मदद से आप जो है इससे आप जो है लॉग इन कर सकते हैं। सो यहाँ पे पूरा जो है ये सब सेटिंग कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट सेफ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, बस इस पर क्लिक करना है। आप जो भी फोटो वीडियो रखे थे देखने के लिए पासवर्ड दे देना है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा जैसे क्लिक करोगे। अब गाइस ऊपर की ओर सेटिंग और देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं फर्स्ट में आपको मैं बता दिया प्राइवेसी पासवर्ड का, दूसरा आपको देखने को मिला अदर अनलॉक मेथड, इस पर क्लिक करना है। अब इसके अलावा देख सकते हैं फिंगरप्रिंट अनलॉक कर सकते हैं या फिर फेस अनलॉक कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे सेट करना चाहते हैं बस इस पर आपको आना है, इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको जो है फिंगरप्रिंट देके इसे आपको जो है कन्फर्म कर लेना है। ओके गाइज यानी जो है पासवर्ड अगर भूल जाते हैं सो फिंगर से भी या फिर फेस से भी इसे आप जो है अनलॉक कर सकते हैं। सो एंड दूसरा आपको देखने को मिला होम स्क्रीन आइकन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आएगा, जैसे कि मैं शॉर्टकट जो है बताया कि शॉर्टकट आप जो है यहाँ पे फोन पे ले जाके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे एड पे क्लिक करना है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से बैक आ चुका हूँ, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट सेफ का ऑप्शन, डायरेक्ट जो है आप इसी एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे शॉर्टकट जो निकाले इसी की मदद से आप जो है इस चीज को आप देख सकते हैं। सो गाइस ये था कुछ यहाँ पे सेटिंग, तो इसी तरह से आप जो है इस जो है प्राइवेट सेफ जो फीचर्स है इसे आप यूज कर सकते हैं न्यू फोन पे फर्स्ट टाइम। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाले हर एक अपडेट के लिए।